व्यापारी से 4 लाख की ठगी करने वाले 3 जालसाज गिरफ्तार। मूंगफली के दाने गिनवाकर करते हैं वारदात। फर्नीचर व्यापारी को ठेका दिलाने का झांसा देकर होटल में बुलाकर 4 लाख रुपए ठगने वाले 3 आरोपितों को कैर थाना पुलिस ने शनिवार की सुबह गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपितों में 2 देवरिया जिले के रहने वाले हैं। फरार चल रहे एक अन्य आरोपी की तलाश चल रही है। आरोपितों के पास से 2.30 लाख रुपए, 7 कुटरचित आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, घटना में इस्तेमाल बाइक व कार बरामद हुई। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेलीपार के बिस्टोली खुर्द निवासी पंचम निषाद का बेलीपुर चौराहे पर फर्नीचर का शोरूम है। कुछ दिन पहले उनके दुकान पर एक व्यक्ति बाइक से आया और फर्नीचर पर पॉलिश लगाने का ठेका देने के लिए उन्हें शहर के मोहिद्दीपुर स्थित होटल में बुलाया। 4 मार्च को पंचम होटल में पहुंचे तो उन्हें फर्नीचर का सैंपल दिखाकर नाप दिया गया। फिर उनसे कहा गया कि आप बैठिए और चाय पीजिए, हम लोग मैडम के आते ही चेक साइन कराकर एडवांस दे देंगे। पंचम वहां बैठ गए। इस दौरान उन्हें मूंगफली का दाना गिनने को दिए। पहले चक्र के खेल में उन्हें 30 लाख रुपए जीतने की जानकारी दी गई। फिर उनसे दोबारा मूंगफली गिनवाई गई, जिसमें 45 लाख रुपए हारने की जानकारी दी गई। इसके बाद जालसाजों ने पंचम को धमकी देकर 2 लाख रुपए वसूल लिए। दोबारा उन्ही लोगों ने फोन कर 6 मार्च को पंचम को देवरिया बुलाया और 2 लाख रुपए वसूल किए। इसके बाद पंचम ने मंगलवार को कैंट थाना पुलिस को तहरीर दी। आरोपितों ने कबूल किया अपना जुर्म। जालसाजी का रुपए हड़पने और रंगदारी वसूलने का मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश में जुटी कैंट थाना पुलिस ने शनिवार की सुबह मोहिद्दीपुर चौराहे के पास देवरिया जिले के कुखुंदू थाना क्षेत्र स्थित भलोवनी बर्राहा के मनोज दुबे, गौरी बाजार, धतूरा खास टोला, बनीलिया के राधे श्याम सिंह उर्फ मुन्ना और शाहपुर के गायत्री नगर कुराघाट निवासी अमित कुमार शुक्ला को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपितों ने अपना जुर्म कबूल किया। राधे श्याम सिंह उर्फ मुन्ना गिरोह का सरगना है। दोपहर बाद आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। गिरोह के सदस्य कोला के केशव पार्क गांव का निवासी मुरारी यादव की तलाश चल रही है। प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट रणधीर मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए जालसाज छोटे व्यापारियों को निशाना बनाता है। एक वर्ष से वह ठगी कर रहे हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि देवरिया में 3 लोगों को शिकार बना चुके हैं। ये लोग व्यापार करने के बहाने दुकान पर पहुंचते हैं, बातचीत के लिए व्यापारी को होटल या रेस्टोरेंट में बुलाकर उसके साथ जुआ खेलते हैं। इसके लिए मूंगफली, चना, राजमा या किसी तरह के छोटे सामान का इस्तेमाल करते हैं। दोनों की संख्या कुल 60 होती है। इसमें से मूंगफली 4 जगहों पर निकाल कर रखी जाती है। इसमें सम और विषम संख्याओं के आधार पर जीत हार का फैसला होता है।